जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सब लोगों को आवाज़ आ रही है अच्छा जी तो आज इस हफ्ते की पहले हफ्ते की आखिरी क्लास है और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा तो इस हफ्ते हमने जितना कुछ पढ़ा है ट्यूसडे को आपके टेस्ट में आएगा तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है सेक्शन वन हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक है ये सेक्शन वन पॉइंट वन के ऑडिट क्यों कराते हैं वन पॉइंट टू अकाउंटेबिलिटी स्टोरशिप एंड एजेंसी क्या होती है वन पॉइंट थ्री इंडिपेंडेंस मटीरियालिटी एंड ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है ठीक है और 1.4 के एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत जो है वो लॉ की वजह से होती है और इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी अगर खुद से कराना चाहे तो करा सकती है फिर मैनेजमेंट और गवर्नेंस की क्या जिम्मेदारियाँ हैं सेक्शन 1.5 इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो आपने अभी नहीं पढ़ना ठीक है ये आखिरी पॉइंट हम आहिस्ता आहिस्ता जब बुक में प्रोग्रेस करेंगे तो हम साथ-साथ पढ़ेंगे ठीक है अभी आपके लेवल से बहुत है और फिर सेक्शन 2.1 मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस 2.2 लेवल्स ऑफ इंश्योरेंस और 2.3 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड एंगेजमेंट ये भी हमारा खत्म हो गया सेक्शन 3 कंपनी लॉ के ऊपर है और ये हम علیحدہ से पढ़ेंगे सेक्शन 4 हमने अभी शुरू किया हुआ है ये इंशाल्लाह आज हम खत्म करेंगे और सेक्शन फाइव एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स ये आप पढ़ चुके हैं ठीक है तो असेंशली स्पीकिंग ये चैप्टर जो था ये ऑडिट की बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर था और सेक्शन वन टू फोर और फाइव ये ऑडिट से रिलेटेड है और सेक्शन थ्री जो है वो कंपनी लॉ का एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आउट ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे तो इसके बाद हम सेक्शन थ्री एंड पे करेंगे ठीक है और उसकी प्रैक्टिस भी एंड पे करेंगे तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि हो सकता है कि मंडे को आपके कोई और टेस्ट भी हो वीकेंड पे पूरी कोशिश करें इसको तैयार करने की और इसलिए भी ज़रूरी है इसकी तैयारी वीकेंड पर क्योंकि ऑब्वियसली मंडे को आपके पास थोड़ा टाइम होगा और वीकेंड पे इसको तैयार करें क्योंकि मंडे को हमने इसके पास पेपर्स करने हैं सेक्शन वन टू फोर एंड फाइव के तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी बिल्कुल आपकी ऐसे हो आप जब बैठ कर पास पेपर्स प्रैक्टिस करें हाथ से चैट बॉक्स के अंदर तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फील होना चाहिए जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं ठीक है फिर अगले दिन आपको टेस्ट की कोई टेंशन नहीं होगी आप ऑलरेडी मंडे को फील वो फीलिंग क्लास में टेस्ट के ले चुके होंगे कि भाई इतनी कोई बड़ी बला नहीं होती टेस्ट ठीक है दो तीन सवालों के जवाब इतने तो मुझे आते ही हैं ठीक है तो हमने एक कंफर्ट लेवल डेवलप करना है टेस्ट के साथ क्योंकि एग्जाम से और टेस्ट से हमारी हमेशा जान जा रही होती है लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो जिंदगी में भी हर थोड़े अर से बाद आपके लिए कोई नया डिफिकल्टी लेवल होता है पढ़ाई में या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई नई चीज़ आपने सीखनी होती है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और ज्यादा जिम्मेदारियां आप पे आती हैं तो जिंदगी में क्योंकि उनको टेस्ट का नाम नहीं ना दिया जाता और जिंदगी एकदम से उनको हमारे ऊपर डाल देती है और हमें फेस करना पड़ता है हम भाग नहीं सकते ठीक है जो भागते हैं वो नशी बन जाते हैं जर्सी बन जाते हैं या लूजर्स होते हैं लाइफ के अंदर जो चीज़ों को फेस नहीं करते हैं। तो जिंदगी में आप हर टेस्ट चाहते ना चाहते हुए आपको फेस करना पड़ता है ठीक है तो ये जो क्लास टेस्ट भी होते हैं और जो एग्ज़ाम भी होता है ना आदर डालने इसकी कि ठीक है यार हो जाएगा तो क्या है हो जाएगी तैयारी क्योंकि जिंदगी के में भी बहुत से टेस्टों के लिए आप तैयार नहीं होते आपने कोई तैयारी नहीं की होती शायद तैयारी की होती तो ज्यादा बेहतर वो हाल हो जाता लेकिन जिंदगी आपको एज इट इज अगर आपको पहले से बता दे कि आप टेस्ट होने लगा है तो फिर आप भाग जाए ठीक है तो मैंने आपको पहले से इसलिए बताया तो है लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले से बताने पे आप मंडे ट्यूसडे को क्लास से भागेंगे नहीं ठीक है मंडे को क्लास में जरूर आए ताकि ट्यूसडे का आपको फील हो गया ये तो मंडे को जो मैंने किया था उससे भी ज्यादा आसान है टेस्ट देना ठीक है जी अच्छा जी अब कल की क्लास से किसी का कोई सवाल एनी क्वेश्चन तो आई होप के सब लोगों ने टेस्ट का सिलेबस नोट कर लिया और ग्रुप में भी एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टेस्ट के सिलेबस का एडवांटेजेस का पॉइंट नंबर थ्री और वाउचिंग वाउचिंग का मतलब अजीज यह होता है वाउचिंग करने का मतलब यह है कि कंपनी के अंदर जितनी भी डबल एंट्रीज जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं जी मैं अभी बताती हूँ साहब तो आई एम हैप्पी टू सी जितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उतना ज्यादा उसका मतलब ये होता है कि आप लोग पढ़ना शुरू हो गए आई एम हैप्पी टू सी और दूसरी बात ये कि वाउचिंग जो है कंपनी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना बिल्कुल जैसे आपके घर के अंदर अगर आपने कोई भी कीमती चीज़ खरीदी है तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं ना आप उसकी कोई रसीद रखते हैं कोई वारंटी कार्ड अपने पास रखते हैं तो घर में तो आपने किसी को हिसाब किताब तो नहीं देना होता लेकिन फिर भी जो कीमती चीज़ें होती हैं उनकी रसीदें आपने रखी होती हैं कि कल को अगर कोई मसला हो तो उनकी वैल्यू आप शो कर सकें या किसी से डिस्कस कर सकें तो कंपनी ने तो हर चीज का प्रूफ रखना है क्योंकि मैनेजमेंट ने कल को सब चीजों का हिसाब देना शेयर होल्डर को और ऑडिटर को तो कंपनी ने प्रूफ के तौर पर डबल एंट्री का एक पेज प्रिंट किया होता है जैसे आपने जब डबल एंट्री सीखी थी ठीक है तो आप लोग अपने रजिस्टर के अंदर डेट डालते थे नरेशन डालते थे एंट्री लिखते थे उसकी वैल्यू डालते थे डेबिट क्रेडिट ठीक है बिल्कुल इसी तरह से कंपनी भी यही पेज बनाती है हर एंट्री का और इस पेज पे सीधी सी बात है डेट के अलावा कंपनी का नाम और तफसीत और किसने बनाया और किसने चेक किया ताकि कल को जो जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे पूछा जा सके अगर कोई पूछना है तो ये डॉक्यूमेंट बना के इसके साथ वो रसीद अटैच कर देती है जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई इन्वेंट्री खरीदी है तो उसकी परचेज एंड साथ लगा देगी क्रेडिटर की तरफ से प्रूफ के तौर पर ये वाउचर होता है तो जब भी हम ऑडिट के अंदर इन प्रूफ को चेक करते हैं तो हम उसको वाउचिंग बोलते हैं ठीक है वाउचर को चेक करना वाउचिंग होता है ठीक है? तो चर और चिंग आपने याद रखनी है अजीजुद्दीन अच्छा अब इसके बाद हनान ने पूछा कि जो एडवांटेजेस हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट के उसका तीसरा पॉइंट तो एडवांटेजेस ये मैंने आपके सामने खोले हैं तो मैनेजमेंट को ये अश्योरेंस मिलती है ये तसल्ली भी मिलती है जब हम ऑडिट करते हैं ना बच्चों तो हमारा कंपनी लॉ आगे हम पढ़ेंगे आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं बताना होता बल्कि कंपनी लॉ के सिलेबस में ये नहीं आता लेकिन यहाँ ऑडिट में आप पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स तो हमने सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या चीज़ें सिर्फ ट्रू एंड फेयर है बहुत से ममालिक का जो अपना कानून है जैसे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज का कानून कौन सा जी कंपनीज एक्ट तो कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है कि आप ट्रू एंड फेयर के अलावा भी कुछ चीज़ें बताएं फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो कंपनीज एक्ट के तहत जो ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान की है उसमें ऑडिटर ने ये भी बताना है कि भाई अगर इस कंपनी के ऊपर जक़ात लगती थी तो क्या इसने जक़ात जमा कराई है कि नहीं कराई ठीक है अब इसका शेयर होल्डर तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बात के अंदर उसको क्या जक़त जमा हुई है या नहीं उसको तो ये मेरा प्रॉफिट आया कि नहीं आया लेकिन हमारा लोग ये कहता है क्योंकि लॉ कानून ने कह दिया कानून के खिलाफ वर्जी नहीं हो रही कानून कहता है जी इस्लामी जम्मू पाकिस्तान है तो हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो जकआत जमा कराएं तो ऐसे तो वो बात सुनते नहीं है ऐसे तो वो रमजान में पहले ही अपने बैंक अकाउंटों से पैसे निकलवा लेते हैं ताकि जकआवात ना कटे तो ऑडिटर हमें चेक करके बताए कि ये जक़ात दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ठीक है तो ये नॉन ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है जो मैनेजमेंट की चेक हो जाती है फिर नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज का जी हनान नॉन स्टैट्यूटरी की तरफ भी मैं आती हूँ क्योंकि दोनों पॉइंट सीखे तो मैंने कहा दोनों क्लियर कर दू नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब कि बाकी जो उसकी लॉ ने तो नहीं कहीं उसकी ड्यूटीज हैं लेकिन मैनेजमेंट की जो बाकी ड्यूटीज हैं फॉर एग्जाम्पल ने नहीं कहा कि देखे लेकिन मैनेजमेंट की शेयर होल्डर्स तो उस को शेयर होल्डर्स को सिर्फ ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है या नहीं लेकिन मैनेजमेंट को हम शिकायत जरूर करते हैं कि भाई हम शेयर होल्डर्स को तो हमने नहीं बताना कि आपने इंटरनल कंट्रोल अच्छे लगाए या नहीं लगाए लेकिन प्लीज ये आप खुद ठीक कर लें क्योंकि अगर ये अच्छे लगेंगे ना अगर आप ये चीजें संभाल कर रखी होंगी तो आपकी भी जिंदगी आसान होगी आपसे भी एरर्स और फ्रॉड कम होंगे और हमें भी ऑडिट में काम चेक करना कम पड़ेगा क्योंकि सीधी सी बात है हमें तसली तो होगी कि आपने चीजें संभाल कर रखी है हमें भी रिस्क कम होगा खतरा कम होगा गलतियों का फ्रॉड का हम भी जल्दी जल्दी यहाँ से जान छुड़ाएंगे आपकी भी जल्दी हमसे जान छुटेगी तो बर मेहरबानी को ठीक कर लें ये नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है फिर इर्सा ने पूछा एब्सोल्यूट एंड एक्यूरेट का बता दें ट का वर्ड आपने कहा से लिया एपसोलूट का वर्ड का तो मतलब ये है जी नो प्रसेंट मतलब तो में ये बात याद रखें कि आप किसी भी तरह की दे रहे हो, तो आप कभी भी हंड्रेड परसेंट एब्सलूट एश्योरेंस नहीं दे सकते क्यों क्योंकि आप के कोई जिन जानने वाले नहीं है आप उनसे हवाई इल्म नहीं ले सकते आपको नहीं पता कि चीजें हंड्रेड वाकई जो आप चीज ओपिनियन दे रहे हैं वो ठीक निकलेगी कल को या नहीं क्योंकि अल्लाह की मर्जी से कोई भी चीज़ खराब निकल आ सकती है उठाया जी हफ्जा फ्रेमवर्क की टाइप्स में आपको बताती हूँ बेटे ये जो फ्रेमवर्क टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं मैं आपको बुक में दिखाती हूँ बेटा आई फैक और आई एस आईएसपी का इंट्रोडक्शन है ठीक है और ये फोर पॉइंट फाइव के अंदर स्टैंडर्ड्स की टाइप्स आ रही हैं ठीक है तो मैंने थोड़ा सा स्लाइड्स में सीक्वेंस चेंज किया होता है लेकिन ये आपकी बुक में लिखा हुआ अच्छा जी तो कल हमने आखिरी बात ये डिस्कस की थी कि कोरोना की वैक्सीन कैसे डेवलप हुई कोई भी नई चीज जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस होती है वो कैसे इंट्रोड्यूस होती है सबसे पहले कोई पंगा कोई परसूडी पड़ती है ठीक है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड पंगा एंड परसूडी तो सबसे पहले कोई ना कोई मसला आता है नया अकाउंटिंग में आए या कोरोना में आए कोई बीमारी में आए जिस मर्जी में आए तो सबसे पहले तो कोई मसला आएगा फिर उस मसले पे हर बंदे को नहीं कहा जाएगा क्या सब लोग आए और सोचें इस मसले का क्या करना है सीधी सी बात है सिर्फ जो एक्सपर्ट्स होंगे जो किसी बोर्ड के किसी साइंटिफिक रिसर्च के टॉप के हेड्स होंगे उनसे कहा जाएगा कि आप स्टडी करके रिसर्च करके बताएं कि इसका क्या करना है तो वो अपनी स्टडी और रिसर्च करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जिनको एक्सपोजर ड्राफ्ट कहते हैं उनकी मर्जी वैसे तो आखिरी हरफ आखिर होती है लेकिन उसको फॉरन से इम्प्लीमेंट या इम्पोज नहीं किया जाता कभी भी कोई भी नया कानून भी बने किसी मुल्क का तो पहले उस पर डिबेट की जाती है पहले सब लोगों में वो बांटा जाता है जो कानून साजी से रिलेटेड होते हैं कि भाई कल को कई आपको इसमें मिस्टेक्स कोई अमेंडमेंट्स कोई changes, आप की कोई चेंजेस आपकी राय क्या है इसके बारे में तो एक्सपोजर ड्राफ्ट उन सारे लोगों को दिया जाता है बिजनेस को अकाउंटेंट्स को ऑडिटर्स को दिया जाता है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं क्या ये चीजें जो हमने सजेस्ट किया क्या ये फॉलो होनी चाहिए और उसके बाद फिर बिल्कुल जैसे जो वैक्सीन है वो फॉरन से पूरी दुनिया को नहीं बना के लगानी शुरू कर दी जाती पहले चूहे बेचारे जो हैं चूहों पर लगा के टेस्ट की जाती है और बंदरों के ऊपर जिनकी जीन्स इंसानों से मिलती जुलती होती हैं फिर अगर उन पर कोई रिएक्शन खराब किस्म का ना आए अगर उन, उन कोई वाकई वो भी ठीक हो जाए अः वैक्सीन लगाकर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानों को लगाई जाती है इसी तरह वो एक्सपोजर ड्राफ्ट है उसमें चेंजेस करके फिर लोगों से राय लेकर कि भाई आर यू ओके विद दिस और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और जब वो नया स्टैंडर्ड बन जाता है तो फिर आपके स्टैंडर्ड की किताब और मोटी हो जाती है पहले ही माशाल्लाह बहुत मोटी मोटी है आपने देखे हैं स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग के ऑडिटिंग के भी मोटे हैं लेकिन अकाउंटिंग के तो माशाल्लाह बढ़ते ही जा रहे हैं जी तो फिर आपकी स्टैंडर्ड की किताब और भारी हो जाती है और मोटी हो जाती है एक और नया स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है थैंक्स टू आई ए एस पी <laughs> जी सिकंदर ऐसे है तो आप लोगों ने कभी खुदाना खास्ता स्टैंडर्ड्स की किताब खोल के देखी है कैसी होती है देखने में है कि दूर से ही बस ठीक है बस बाहर से ही लाल पीले रंग की ठीक है नीली पीली काली जैसी भी है ठीक है बस एफ आर टू में ओपन बुक होता है सीफ एप में तो होता है अच्छा तो कभी खुदा ना खास्ता अपने स्टैंडर्ड खोल के देखा नहीं खोल के देखा तो वैसे मोटे मोटे किसी भी किताब में किसी भी चैप्टर का क्या स्ट्रक्चर होता है सीधी सी बात है सबसे पहले उस चैप्टर का कोई इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन के बाद मकसद होता है कि भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं फायदा क्या इसको पढ़ने का क्यों टाइम जाया कर रहे हैं इस पर इतने में हम कोई पार्टी कर सकते थे कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते थे तो आखिर हम इसको क्यों पढ़े और उसके बाद जी मैं ऑन कर देती हूँ खनसा जी तो उसके बाद इंट्रोडक्शन और मकासद के बाद डेफिनेशंस होती हैं कि भाई इसमें जो औखी औखी हमने नई किस्म की चीजें लिखी हैं वो आपको पहले समझा दें कि इसमें डिफरेंट मीनिंग्स क्या हैं वर्ड्स के उसके बाद स्टैंडर्ड असल बात पे आता है कि भाई हम आपसे चाहते क्या हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ठीक है और बच्चों स्टैंडर्ड्स uh, में ना बहुत लंबी लंबी रिक्वायरमेंट्स होती थी क्योंकि उन्होंने हर बंदे को समझाना होता है और कुछ लोग आपकी तरह थोड़े ज्यादा जी ठीक हो गया खान साहब थैंक यू तो कुछ लोग आप लोगों की तरह ज्यादा समझदार होते हैं वो कहते हैं भाई हमें तो ये चीज़ें पहले से पता है हमें इतना सारा पढ़ने की क्या जरूरत है तो फिर ऑडिट के स्टैंडर्ड्स में भी और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में भी उन्होंने बहुत सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हर बंदे ने नहीं पढ़नी होती रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो उन्होंने अपेंडिक्स में डाल दी भाई जिस बंदे जिसको जरूरत है ये पढ़ने की वो जाके आगे एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में जाके पढ़ ले जो आपकी तरह बहुत सहना पढ़े है उनको फॉलो कर ले आखिरी बात है वो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैक, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स ने यूनाइटेड नेशन की तरह खुद से एक वॉल्ट्री अपनी मर्जी से एक धारा बनाया ताकि पूरी दुनिया होमोजीनियस किस्म के स्टैंडर्ड्स एक तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सके सबको एक दूसरे की जुबान समझ आ सके अकाउंटिंग की एक वैसे तो एक दूसरे की जुबान समझ नहीं आती चाइना में कुछ और बोला जाता है अमरीका में कुछ और लेकिन अकाउंटिंग सबकी एक जैसे हो तो ये किसी मुल्क का कानून नहीं है बिल्कुल जैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो बनाई तो गई लेकिन वो किसके लिए बनाई गई है इसराइल की बात सुनती है अमेरिका की बात सुनती है लेकिन जो बेचारे फलस्तीन में हैं इसराइल में हैं जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज में है रोहंगिया के हैं जितने भी लोग हैं उनकी बात नहीं सुनती ठीक है क्यों क्योंकि ये कोई कानून नहीं है जिन्होंने बनाई है उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बनाई है अपनी मर्जियाँ पूरी करने के लिए बनाई है ठीक है इसी तरह ये जो आई है ना ये अकाउंटेंट्स ने अपनी खुशी से बनाई है कि भाई सबकी लैंग्वेज सेम हो लेकिन हर मुल्क में डिफरेंट तरह के लोग हैं उनका लॉ डिफरेंट है तो हमारे मुल्क में ये इस्लामिक है पाकिस्तान है हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कानून कहता है जक़ात का भी बताना लेकिन चाइना के अंदर कोई जक़ात शिकात नहीं होती वो चाइनीज जो है वो मुसलमान तो नहीं है <coughs> तो उनका कानून हो सकता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में कहे कि कोई जरूरत नहीं जक़ात का बताने की ठीक है तो ये बात याद रखें कि पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान का कानून नहीं फॉलो करेंगे अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई आई कहता है कि बस जो मैंने रिपोर्ट ले दिया ना बस वही बता दो तो ये काफी नहीं है पाकिस्तान में जो आईफैक की रिपोर्ट है वो हम फॉलो करते हैं ऑडिट रिपोर्ट उस ऑडिट रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो तो हमने बताना ही बताना है लेकिन उसके अलावा जो हमारा लोकल कानून हमसे मांगता है वो भी हमने बताना है तो ये बात याद रखें कि कभी भी अगर क्लैश आए लोकल कानून के अंदर और इंटरनेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की बातों के अंदर तो हमेशा लोकल लॉ फॉलो होगा वरना आपको जेल हो जाएगी जुर्माना हो जाएगा अपना कानून नहीं तोड़ सकते ठीक है तो हमेशा आपका जो कानून है उसमें जो एक्स्ट्रा बातें आ रही हैं वो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी ठीक है जी ये बात सबको समझ लग गई कि आई को हम फॉलो जरूर करते हैं उसकी सारी अच्छी बातें हम जरूर मानते हैं लेकिन जो अपने कानून की एक्स्ट्रा बातें भी हैं या अगर हमारा कानून उसके खिलाफ कुछ कहता है तो हमें अपना कानून फॉलो करना पहले अगर हमने पाकिस्तान में रहना तो अगर हमने लंदन भाग जाना है तो फिर कोई जरूरत नहीं कानून फॉलो करने की फिर लगे रहें ठीक है ना जी हसनैन आपका क्या सवाल है जी हसनैन ने पूछा कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनके सीईओ नॉन मुस्लिम हैं या वो नॉन मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करती हैं फॉरेन कंपनीज बहुत सी मल्टानेशनल फॉरन कंपनीज हैं तो उनके सीईओज ने अपनी जेब से थोड़ी जगह देनी होती है कंपनी के पैसों से देनी है ना तो हमारा कानून कहता है कि भाई कंपनी ने अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना है ना तो फिर जक़ात देनी पड़ेगी ठीक है बिल्कुल जैसे इस्लाम के अंदर बहुत से नॉन मुस्लिम जो इस्लामिक टेरिटरी के अंदर आते थे उनको जिजिया वगैरह इस तरह की कोई चीज देनी पड़ती थी टैक्स के तौर पर शेयर होल्डर्स भी नॉन मुस्लिम दो, मैटर कंपनी तो पाकिस्तान के अंदर है ना अगर पाकिस्तान के अंदर है तो फिर पाकिस्तान का कानून फॉलो करना पड़ेगा वरना वो कहेंगे कि भाई जाओ बाहर जाके बिजनेस करो। ढके <coughs> <फ्राज, coughs> में नहीं, मैं तो खुली खुली कर तनकीदारी है हमको डरते हैं किसी से ना वीगो डाले से ना गंजों से ना तब्दीली से सब कुछ भुगत लिया हमने है अब डर किस चीज का अच्छा जी तो ये स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर होता है अब बच्चों अगली बात आपकी सेक्शन फोर पॉइंट सिक्स बारी ही अल्लाह खैर आपकी जी अब आप बच्चों इसके बाद आज हमने सबसे पहला जो अपना स्टैंडर्ड है उसकी बिस्मिल्लाह करनी है आई एस ए दो ठीक हो गया <coughs> तो आई एस ए दो जो है Uh, पैस, सबसे पहली बात तो बह, बहुत से आई एस एस जितने भी आई एस एस बुक में हैं जितने भी स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे ठीक है उन सब स्टैंडर्ड्स के नंबर्स आपने याद नहीं करने ये सिर्फ आपको रेफरेंस नंबर के तौर पर वैसे बताया गया आई एस ए टू हंड्रेड जो है वो सबसे पहला स्टैंडर्ड है जो डील करता है कि बेसिकली ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव है जी ऑडिट करने का अभी तक आपने क्या पढ़ा टेक्निकल जुबान में मुझे बताया मैं, मैंने आपका टेस्ट नहीं लिया ना शुरू में टेक्निकल मुझे बताएं कि ऑडिट क्या होता है किसी ने मुझे याद भी नहीं कराया कोई बात नहीं मैंने भी शुरू में आपको टेस्ट दे दिया टेक्निकल लफ्जों में ऑडिट करने का मकसद क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या अजीजुद्दीन किसके बारे में पूरा पूरा जुमला लिख के बताएं पूरा जुमला भाई ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं ना अरशद अली अजीजुद्दीन ये तो वो बातें ना जो आपने जब मुझे ऑडिट का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा था तब भी आपने मुझे इन्हीं सेंटेंसेस में बताया था अब आपने कोई नए शशके वाले लफ्ज़ जो सीखे हों उसमें जरा मुझे बताएं कि ऑडिट क्या होता है आपने किसी को फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली में इम्प्रेस करना है कि आजकल आप ऑडिट पढ़ रहे हैं कल को आपने ऑडिटर बनना है तो आपने इतने मुश्किल मुश्किल लफ्सने जो मुश्... आपके मुंह से भी ना निकल रहे हो जो आपने नए नए सीखे वेरी नाइस अफ वेरी नाइस सिकंदर जी Very good, रामीन. सबसे अच्छा अभी तक आपका जवाब है तो बच्चों ये आपने बुक वाले भी दे दिया टेक्निकल वर्ड आपने नए पढ़े हैं अश्योरेंस ट्रू एंड फेयर व्यू मैनेजमेंट यूजर्स शेयर होल्डर्स ये कुछ बच्चों ने इस्तेमाल किए जो कि मैं सुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभी भी अगर मैं आपको मजीद कहूँ कि आप और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी डेफिनेशन दें तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपने पढ़े थे वो पांच छह एलिमेंट्स अगर आप मिला कर एक जुमले में लिखें तो फिर पूरी बात वाजी होगी कि ऑडिटर का मकसद क्या होता है क्या एलिमेंट्स पढ़े थे आपने ऑडिट के ऑडिट एंगेजमेंट के एलिमेंट्स अश्योरेंस के नहीं पूछ रही ऑडिट के पूछ रही है कुछ लोग अब शोरंग से लिख देंगे जी ऑडिट के आपने एलिमेंट्स क्या पढ़े थे ऑडिट एंगेजमेंट के कोई है एनीबडी होम एनीबडी लिसनिंग एनी आंसरिंग जी कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा वेरी नाइस nice, अली सतार जी सिकंदर रामीन इर्सा फराज अली अहमद सबके नाम लेती हूँ मजा आता है जी अरशद सुभान अहमद हमाद अली फराज अजीजुद्दीन अमार अहमद अली अलीना साद हफ्जा हनान हसनैन इरसा खनसा अब्दुल्ला मजर रामीन सिकंदर तैमूर जवाब दें जवाब आ, 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 अली आपने ये किया ना अली हैदर आपने अशोरेंस के एलिमेंट्स लिख दिए हैं है? हंसा आपने भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स लिख दिए चले कोई बात नहीं इरसा आपने भी मैंने भी मना किया अश्योरेंस एंगेजमेंट के नहीं ऑडिट एंगेजमेंट के एलिमेंट्स लिखने थे तो अगर मैं इन्हीं एलिमेंट्स को ऑडिट के टर्म में लिखती तो मैं लिखती कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू प्रोवाइड अश्योरेंस की जगह इज टू प्रोवाइड एन ऑडिट ओपिनियन ठीक है ऑडिट में हम कौन सी अश्योरेंस दे रहे होते हैं ऑडिट ओपिनियन की ठीक है ऑडिट ओपिनियन किस चीज के ऊपर दे रहे हैं सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी ठीक है बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ठीक है तो चलें कम से कम आपको कुछ तो याद है वेरी गुड परफेक्ट नहीं लेकिन चले वेरी गुड तो बच्चों आईएसए 200 का मकसद तो आपको समझ लग गया कि मकसद इसका क्या है कि ऑडिटर ने ऑडिट ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो एथिक्स के टॉपिक में भी कोइंसिडेंटली और इस टॉपिक में भी बिल्कुल जैसे इस्लाम की पांच रिक्वायरमेंट्स हैं इसी तरह इन टॉपिक्स में भी पांच रिक्वायरमेंट्स हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स यानी वो पांच अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो आपने आई के मुताबिक ऑडिट नहीं किया होगा फिर आप ये तो लिख सकते हैं मैं ऑडिट ओपिनियन दे रहा हूँ लेकिन ये नहीं लिख सकते कि मैंने आई के मुताबिक ऑडिट किया फिर आप लिखेंगे कि मैंने अपने ऑडिट के मुताबिक मेरी ओपिनियन दिया ठीक है थीके? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सीधी सी बात है कि अगर आप लिखना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि मैंने अपना ऑडिट सारा का सारा बिल्कुल आई के मुताबिक किया तो है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये पहले सारे आई को फॉलो भी तो करें कॉमन सेंस सारे आई एस एज में जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करें ये नहीं कि जिसमें आपकी मर्जी का काम है वो आपने कर लिया जिसमें थोड़ा मुश्किल काम लिखा है छोड़ो पढ़े करो हम तो पाकिस्तानी है क्या करना है काम करके ठीक है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने आई एस एस के मुताबिक ऑडिट करना है तो सारे आई एस एज को फॉलो करें तो ये बात इतनी ऑब्वियस नहीं है इसीलिए उन्होंने साफ साफ लिख दी कि भाई सारे आई एस एस को फॉलो करना जरूरी है ये बातें अपने पास लिख लें फॉलो ऑल आई एस एस दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर आप सारे आई एस एज फॉलो करते हैं लेकिन आप इखलाकी तौर पर अच्छे नहीं है तो इखलाकियात बच्चों इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशन में ऑडिट में भी क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के पैसों के ऊपर उन बेचारों को अगर सही तसली ना दी तो कल के उन बचानों को हार्ट अटैक हो सकता है उनकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है अगर आपने गलत बात कर दी तो अखलाकियात इतनी इंपॉर्टेंट है ऑडिट के अंदर कि अखलाकियात के एथिक्स के सेपरेट स्टैंडर्ड्स की बुकलेट है ऑडिट के अंदर जो आपने पढ़नी होती है हमारा एक चुना सा चैप्टर है वो बुकलेट भी वैसे छोटी सी होती है तो ऑडिट में कोई भी ऑडिट आप नहीं कर सकते अगर आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स पर पूरे नहीं उतरते ठीक है उसके बाद सारे आई एस एस सारे इखलाकी रिक्वायरमेंट पूरे करने हैं वरना आपके ऑडिट का कोई फायदा नहीं उसके बाद बच्चों प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से काम लेना स्केप्टिक वो बंदा होता है जो हर चीज पे सवाल पूछता है कि भाई ये चीज ऐसे क्यों है वैसे क्यों है वो जब तक कन्विंस नहीं होता जब तक उसको कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती तो वो किसी की बात नहीं मानता वो कहता है कि हर चीज मुझे लॉजिक से समझाए इस प्टिक के लफ्ज के साथ प्रोफेशनल का लफ्ज इसलिए लिखा है कि भाई कुछ लोगों को बिला वजह सवाल पूछने की आदत होती है ठीक है जैसे आपने वो लतीफा सुना होगा ना कि अगर क्रिस्टोफर कोलम्बस की शादी हुई होती और उसकी बीवी होती तो वो कभी अमरीका दरियाफ्त ना करता क्योंकि जब वो अमरीका दरियाफ्त करने जाता तो उससे पहले उसकी बीवी पूछती कहा जा रहे हो कब आओगे क्यों जा रहे हो ठीक है इतने सारे सवाल पूछती कहती कि यार तुम रह रहे मैं आज गाड़ी बैठ जाता हूँ छोड़ो अमरीका को क्या दरियाफ्त करना तो कुछ लोगों को बिला वजह सवाल पूछने की आदत होती है ठीक है बिला वजह सवाल नहीं पूछना आपने हाँ जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही ठीक है।, है जिन चीजों की आपको समझ नहीं लग रही प्रोफेशनली उनके ऊपर आपने जरूर सवाल पूछना है कि भाई ये चीज जो आप मुझे बता रहे हैं ना ये आपकी एक्सप्लेनेशन मुझे हजम नहीं हुई आपका जवाब जो है मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है ठीक है हनान क्या पता हो सकता है यार ठीक है ये तो आप मेरे वो ही बता सकते हैं ना तो कुछ सवाल तो पूछने चाहिए ना कि भाई कब तक आएंगे <laughs> किधर जा रहे हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए ठीक है जी तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन में बच्चों ये लिखा हुआ है कि आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए जब आपको कोई भी एविडेंस दिया जाए तो आप सवाल पूछें कि भाई ये बात ठीक है या नहीं आप अलर्ट रहे कि आजकल कंपनी में क्या हालातों वाकत चल रहे हैं क्या ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं लेकिन कोई मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें कंपनी के हालात तो इतने अच्छे नहीं फिर इतने प्रॉफिट कैसे शो कर रहे हैं और क्रिटिकली असेस करें एविडेंस को यानी लॉजिकल सेंस बनाएं कि चीजों की आपस में आपको कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही ठीक है थीके? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसम का मतलब है कि प्रोफेशनल किस्म के सवाल पूछने अगर आपको कोई चीज नहीं समझ लग रही या आपको कोई चीज गड़बड़ लग रही है तो उस पर जरूर सवाल करें ऐसे ही हर एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर लेना और बिला वजह भी सवाल नहीं पूछने के नहीं भी हम जो भी गलत लग रहा है वो भी गलत लग रहा है जरूरत से ज्यादा भी नहीं जरूरत से कम भी नहीं इतदाल के साथ सवाल पूछने उसके बाद प्रोफेशनल जजमेंट ये बच्चों आप हर जगह पढ़ेंगे ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है ना जैसे वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने के लिए सबसे कीमती चीज़ तजर्बा है और तजर्बा हासिल करने के लिए पहले बूढ़ा होना पड़ता है ठीक है उसके बगैर तजर्बा मिलता भी नहीं तो ये प्रोफेशनल जजमेंट भी ऐसी चीज़ है कि इस प्रोफेशनल जजमेंट को हासिल करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है सीए के अंदर कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं इवन मेडिकल के अंदर भी सिर्फ एक डेढ़ साल की हाउस जॉब होती है जिसमें वो प्रोफेशनली सिखाते हैं कि इंसानों के ऊपर आपने तजर्बे कैसे करने हैं लेकिन एक अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपको साढ़े तीन साल के लिए बांध दिया जाता है कि भाई पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें जजमेंट कैसे करते हैं इंतहा तजर्बा इकट्ठा करें वरना आप सी ए नहीं कर सकते ठीक है तो जजमेंट का मतलब ये है कि सी ए में बच्चों हर चीज में आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि आजकल जो हालात हैं उनके मुताबिक मुझे क्या काम करना है कितनी चीज इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीज में गड़बड़ हो सकती है कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा हो जैसे मेडिकल में तो लिखा होता है ना कि भाई ये चार सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है फलानी बीमारी होगी और आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फलानी बीमारी होगी अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता ऑडिट में ऐसा नहीं होता हर साल एक ही कंपनी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपको हर साल सोचना पड़ता है कि भाई कितनी चीज कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है मटीरियल है कितना काम करना है कितना नहीं करना कितना रिस्क आपको लग रहा है चीजों के अंदर ठीक है तो इसके लिए आपको जजमेंट्स करनी पड़ती हैं लेकिन जजमेंट का मतलब है कि अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपने किताबें पढ़ी हैं जो तजर्बा तो हासिल किया आर्टिकल्स के अंदर और जो आपको किताबें पढ़ाई गई हैं उनके मुताबिक प्रोफेशनली जज करें एक तो जजमेंट ये है ना कि भाई एम वजह ही अपनी ओपिनियन दे दी कि मेरी राय में जाना फलानी चीज़ ऐसे होगी ऐसे हवा में जजमेंट्स नहीं पास करनी ठीक है प्रोफेशनल जजमेंट्स करनी है यानी किसी लॉजिकल बेसिस के ऊपर जो आपको तजर्बा दिया गया तो ये तजर्बा इतना जरूरी है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि साढ़े तीन साल जिंदगी के इधर ही लग जाते हैं बड़े आराम से ठीक है जी तो ये चौथी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल जजमेंट हासिल करने की और फिर बच्चों आखिरी कॉमन सेंस की है पहली और आखिरी बड़ी कॉमन सेंस की बात है पहली रिक्वायरमेंट थी कि जी सारे आई को फॉलो करें और सीधी सी बात है आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई सबूत हासिल करें जिसकी बेसिस पे आप अपनी ऑडिट ओपिनियन दें ऐसे हवा में फायरिंग नहीं करनी कि भाई मुझे ये चीजें ठीक नहीं लग रही कोई काम करें कोई सबूत हासिल करें और सबूत कितना हासिल करना है जो सफिशेंट हो और अप्रोप्रिएट हो सफिशेंट का मतलब काफी हो क्वांटिटी में अच्छा खासा हो और अप्रोप्रिएट का मतलब है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपने बहुत सारी इकट्ठी कर ली है तो उसका कोई फायदा नहीं चाइना की चीजें आप जितनी भी इकट्ठी कर लें अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो फारे है सारी तो एविडेंस भी अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी ऑडिट तो में आपने दोनों चीजें देखनी होती हैं कि क्वालिटी क्या है और कितनी क्वांटिटी कितनी मुझे चाहिए ऑब्वियसली आप हंड्रेड परसेंट एविडेंस तो इकट्ठा नहीं कर सकते चीजों के ऊपर इतना टाइम नहीं आपके पास इतनी फीस आपको नहीं मिल रही तो जितने पैसे मिल रहे हैं उसमें आप सबसे ज्यादा अच्छा काम क्या कर सकते हैं <coughs> तो ये बोल्ड भी हुए हैं पांचों रिक्वायरमेंट्स आपके सामने जल्दी से ये अपने रजिस्टर पर बना लें पांचों रिक्वायरमेंट्स डायग्राम्स आनी जो है ना वो बहुत ही कम हो गई हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने ये पढ़ा ये पांच फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं आई एस एस इखलाकियात प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रोफेशनल जजमेंट और ऑडिट एविडेंस <coughs> लिख लें तो बता दें कि आपने लिख लिया और जो नहीं लिख रहे वो चैट बॉक्स में लिख के भेज दें एक मरतब जब आप खुद से किसी चीज को लिखते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाती है आपके दिमाग में बैठ जाती है जो लोग रजिस्टर पर नहीं लिख रहे वो चैट बॉक्स में लिख के भेज दें ये पांचों चीजें ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि रजिस्टर में कौन कौन नहीं लिख रहा जी तो हफ्जा कह रही है कि मैंने लिख लिया मैंने चले जी सब लोगों ने लिख लिया जी बिल्कुल प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की और जजमेंट की डेफिनेशन याद करनी है लेकिन एज <coughs> ऑलवेज जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपने सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स याद करने हैं क्रिटिकल असेसमेंट अलर्ट और क्वेश्चनिंग माइंड बाकी आप जुमला खुद से भी लिख सकते हैं जी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब अहमद यह है कि आपने जितना भी एविडेंस आपको मिल रहा है ना ये नहीं कि बस आप एविडेंस इकट्ठा करते जाएं और आप उस पे कोई सवाल ना पूछें बहुत सी चीजें हैं जिसका आपस में कनेक्शन नहीं आपको समझ लग रहा होता बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ के केस में उन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया लेकिन उस एविडेंस के मुताबिक उनके बच्चे जब फीडर पीते थे तो वो करोड़पति बन गए ठीक है इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे कि फीडर पीते वो करोड़पति बन गए फिर मजीद जब मरियम नवाज से एविडेंस मांगा गया तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया ओनरशिप का वो कैलिबरी फॉन्ट में था और रिसर्च करने पे पता चला वकीलों को कि जब जिस साल का वो डॉक्यूमेंट था तब तो फ़ॉन्ट ही नहीं हुआ था दुनिया के अंदर ठीक है तो अगर इसी तरह का एविडेंस आपको कंपनी भी दे रही हो ठीक है तो आपने क्वेश्चन करना इस चीज को कि भाई ये आपने कैसे डॉक्यूमेंट हमें दे दिया है लीगल डॉक्यूमेंट बना के ये जो फॉन्ट आप प्रेजेंट करें ये तो तब बना ही नहीं था जब आप जबकि बात करें ठीक है <laughs> तो बिल्कुल ऐसे ऑडिट में भी आपने जिन जिन चीजों की सेंस नहीं बनती जिनका एविडेंस आपको लग रहा है कि वो आपको झूठा या नकली बना के दे रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं आपको धोखा दे रहे हैं कोई एरर कर रहे हैं तो आपने कहना कि भाई जबकि आपकी बात करें तब तो ये चीज ही ऐसे नहीं थी ठीक है हनान पर्सनली होना मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूं अहमद को क्लियर करने के लिए ठीक है नो हार्ड फीलिंग्स जी तो आपने हर चीज को लॉजिकली अलर्ट रहना है और लॉजिकली उसको प्रोसेस करना है अपने माइंड में जी ठीक हो गया हनान। अच्छा अब बच्चों आगे जो हम पढ़ने लगे ना ये आपके सेक्शन 4.7 में भी लिखा हुआ है बुक के अंदर और इसकी जो ज्यादा डिटेल है जो ज्यादा तफसील है ना वो चैप्टर थ्री के सेक्शन 1.5 के अंदर है तो दोनों

अच्छा जी तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने शायद लॉ में पढ़ा हो कि हर साल एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट करना है लेकिन बच्चों आपने फॉर एग्जाम्पल इस साल एजीएम पे ऑडिटर अपॉइंट कर लिया अब ये साल खत्म होगा तो इस अगले साल इसका ऑडिट होगा तो ऑडिटर जब अपॉइंट होता है ना तो ये नहीं कि वो आके हमारे दफ्तर बैठ जाता है फिर इस साल के खत्म होने का इंतजार करता है फिर अपना ऑडिट शुरू करता है इतना वो वेला नहीं होता

दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल इकतीस दिसंबर को एयर इंडिया कंपनी का तो ऐसा कोई जादू नहीं होता किसी भी अकाउंटेंट के पास मैनेजमेंट के पास या ऑडिटर के पास कि वो छड़ी घुमाए और यकम जनवरी को पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑडिटर के सामने रख दे ठीक है एक दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज नहीं होती क्योंकि फिगर्स तो फाइनल तकरीबन तो होते हैं लेकिन उनको भी थोड़ा जीएल को थोड़ा सा आ, आपको पता है ना क्लब करने पड़ते हैं क्लासिफाई करने पड़ते हैं फिगर्स जीएल में तो हर तरह का जनरल लेजर का कोड आ रहा होगा ना हर टी अकाउंट आ रहा होगा लेकिन कौन से टी अकाउंट आपस में रिलेटेड है आप तो जब वर्किंग करते हैं सवाल की दो चार टी अकाउंट होते हैं चलो दस दस बारह भी हुए तो एक जैसे टी अकाउंट जैसे आप भी इकट्ठे नहीं खोलते जैसे जैसे वर्किंग्स आती है सवाल के अंदर तो आप अगला अगला टी अकाउंट खोलते हैं इस कंपनी में भी सारे टी अकाउंट्स एक जैसे इकट्ठे नहीं पड़े होते हैं तो कंपनी ने सारे फिगर्स क्लासीफाई करने होते हैं फिर जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में लगता है कि उसमें लंबी लंबी कहानियां छोड़नी होती है ठीक है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि साल के पहले दिन वो आपके सामने रखें फाइनेंशियल और आपसे कहें बिस्मिल्लाह करें जी ऑडिट करें और जल्दी से शक्ल गुम करें फिर आपने पूरे साल की फिगर्स चेक करने हैं आखिर आपको भी कोई टाइम लगेगा आपके पास भी कोई जादू नहीं है ठीक है तो आप जितने दिनों में वो फाइनलाइज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स और फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ड्राफ्ट आपको दें उतने में आप सबसे पहले तो प्लानिंग करते हैं जैसे मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था जब हमारी ऑडिट की क्लासेस शुरू हुई थी कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना तो वो काम उतना ही अच्छा एग्जीक्यूट होगा तो ऑडिट में भी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम अपनी मेहनत बचा सकते हैं कहाँ पर काम कम करने की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल बच्चों जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो तो हर साल नहीं चेंज होना तो हम क्यों उसका बैठ के तफसी ऑडिट करते रहे जब हमें पता है कि भाई इसके फिगर्स हर साल नहीं चेंज होते वही जो पिछले साल का मेमोरेंडम और आर्टिकल सब वो पकड़ो और चेक कर लो ठीक है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनपे बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हर साल कोई ना कोई रिस्क होता है या किसी साल और भी ज्यादा रिस्क आ जाता है जैसे कोरोना की वजह से सारी कंपनीज के सेल्स प्रॉफिट्स एक्सट्रीमली रिस्की हो गए थे काम ज्यादा करना पड़ा होगा तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि कर रहे हैं ना जितने में हम समझ रहे हैं कि आप कंपनी कैसे चलाते हैं आपके कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं क्योंकि अगर आपके कंट्रोल्स अच्छे होंगे इस बात पे बच्चों गौर करना ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी के घर जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर और आपको पता है कि यार ये लोग बड़े रिस्पांसिबल हैं और इनकी एनवायरनमेंट भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ चोर डाकू सिक्योरिटी बड़ी टाइट है तो आप उनके घर गाड़ी भी गिराज से कर दें आप अपना बटवा भी आगे पीछे रख दें कोई टेंशन नहीं होगी ठीक है लेकिन जिस जगह पे आप जाए किसी नई जगह पर जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं बहुत सारे लोग तो आप एक, -एक चीज संभाल के रखते हैं वरना गई और फिर कभी नहीं मिलेगी ऐसे ही है ना ठीक है तो इसी तरह जब ऑडिटर किसी भी कंपनी में जाता है तो वो ये देखता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं इसलिए नहीं कि आप हॉस्टल में किसी को बुरा बुला कहना चाहते हैं चोर पकड़ना चाहते हैं आप कोई पुलिस वाले थोड़ी हैं या किसी रिश्तेदार को गंदा करना चाहते हैं लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको कम से कम टेंशन लेनी पड़ेगी अगर आप जिसके पास जा रहे हैं वहां पे उतने जितने अच्छे हालात होंगे वहां पे उतनी आपको टेंशन और फटीक कम होगी ठीक है ठीक हो गया हनान तो इसी तरह से ऑडिटर ने कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देनी शेयर होल्डर्स को क्यों क्योंकि ये उसका हेड एक नहीं है कि कंपनी कैसी चल रही है हमने जिक्र किया था कि कंपनी चलाना किसकी जिम्मेदारी है मैंने चला अच्छी चलाए बुरी चलाए उनकी मर्जी अगर अच्छी चला रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आना चाहिए अच्छी चल रही है अगर बुरी चल रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आना चाहिए बुरी चल रही है लेकिन हमने कंट्रोल्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देनी शेयर होल्डर्स ये नहीं पूछ रहे कंपनी कैसे चला रहे हैं शेयर होल्डर हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई सिर्फ ये बता दो पिछले साल इन्होंने जो हरकतें की है ना वो सच्ची सच्ची हमें दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे सही सही पूरी पूरी तरह से साफ बात हमें लेकिन हम कंट्रोल्स क्यों चेक करते हैं शुरू में क्यों क्योंकि जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उतना ही कम चांस होगा एरर और फ्रॉड का उतनी कम गलतियां होंगी उतने ही कम धोखे होंगे कंपनी के अंदर ठीक है तो हमें भी काम कम करना पड़ेगा अगर हमें ये तसल्ली है अगर ये कि यार ये हर चीज टाइट सिक्योरिटी में रखते हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं के तो सीधी सी बात है बातें चांस भी कम है एरर होने का तो कोई नहीं हम भी काम थोड़ा कम कर लेते हैं लेकिन वाइस वर्सा कि अगर कंट्रोल्स बिल्कुल ही फारिंग है या कोई कंट्रोल्स नहीं है उतना ही ज्यादा आपको एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा ठीक है तो जितने भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है आप रोज इंतजार कर रहे हैं रोज अकाउंटेंट के कमरे में जा रहे हैं हाँ भाई बन के अकाउंट्स कब तक मिल रहे हैं

कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं बच्चों जिनमें ना बिल्कुल टाइम नहीं होता साल के बाद काम करते हैं जी दस पंद्रह दिनों के अंदर हमें ऑडिट पूरा करके दें और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं लिस्टेड कंपनीज जिनके शेयर होल्डर्स को बहुत ही जल्दी होती है रिजल्ट्स की क्योंकि उन्हें मिलना होता है ठीक है तो लिस्टेड कंपनीज में जब टाइमलाइन बहुत ही शॉर्ट होती है फिर हम सोचते हैं कि यार साल के बाद अकाउंट्स मिलेंगे मैंने प्लानिंग भी करनी है कंट्रोल्स भी चेक करने हैं फिर ऑडिट शुरू होगा और ये कहने पंद्रह दिनों में रिपोर्ट भी दे दो तो अब मैं क्या करूं तो फिर आपके पास ये होता है आखिरी हरबा आपके पास ये होता है कि आप थोड़ा सा ऑडिट साल से पहले कर लें और थोड़ा जो, जो काम नहीं हो सकते जो फाइनल फिगर्स नहीं आ सकते साल से पहले कौन से फिगर्स नहीं आ सकते साल खत्म होने से पहले कॉमन सेंस कौन से फिगर्स होते हैं जो साल के बाद आते हैं जी अजीजुद्दीन अब आवाज क्लियर आ गई दोबारा से सोचें जी कौन से फिगर्स हैं जो साल के बाद ही पता चलेंगे प्रॉफिट्स तो साथ साथ पता चल रहे होते हैं ना फराज हु और जिन पे हमने काम करना है हाँ जी टैक्स का फिगर भी है जो मैं ज्यादा ऑब्वियस सुनना चाह रही थी वो जवाब नहीं आया लेकिन चले मैं खुद ही डिस्कस कर लेती हूँ <laughs> क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक है प्रॉफिट्स तो आपके हर महीने साथ साथ पता चल रहे होते हैं ना इतने महीने गुजर गए इतना प्रॉफिट आ गया लेकिन जो डेटर्स का फिगर है क्रेडिटर्स का शेयर कैपिटल का फिक्स्ड एसेट्स का जो क्लोजिंग फाइनल फिगर है वो तो जब पूरा साल खत्म होगा तभी आएगा ना जी हनान ऐसी मैंने आपके मुंह की बात लिया तो 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 वो ही अभी तक हो लेकिन आपको पता है कि रिसीवेबल्स का फिगर तो रोज चेंज हो रहा होता है कुछ लोग मजीद सेल्स के उधार ले रहे होते हैं कुछ लोग मजीद पैसे वापस कर रहे होते हैं क्रेडिटर्स का फिगर इन्वेंट्री का फिगर ये तो मुसलसल चेंज होते हैं लेकिन बहुत सारे फिगर्स हैं जो नई भी चेंज हो रहे प्री पेमेंट्स हैं और कुछ अक्रूवल बार -बार बार -बार, आपका चेंज नहीं होता ठीक है लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया बैलेंसेस कि है ऐसे जो साल खत्म होगा तब ही फाइनल पता चलेंगे तो साल खत्म होने से पहले हम क्या काम कर सकते हैं वही जो प्लानिंग हमने साल के बाद करनी थी कि काम कैसे करना है वो साल खत्म होने से पहले कर लें वही जो आपने कंट्रोल्स चेक करने थे जितने महीने गुजर गए हैं उनके कंट्रोल्स चेक कर लें साल जब आप दोबारा जाएंगे साल के बाद तो थोड़े से दोबारा भी चेक करें कि भाई इन्होंने कोई चेंजेस तो नहीं किया ये ना हो कि जितने महीने में हमने अभी नहीं चेक किए थे उसमें इन्होंने कोई गड़बड़ की हो और जो फिर फाइनल फिगर्स हैं जो आपको अभी तक मिल चुके हैं प्रॉफिट के सेल्स के जितने महीनों के जो फॉर द पीरियड ट्रांजेक्शन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही होती है वो तो आपको जितने महीने गुजर गए उनकी साथ साथ मिलती जाएंगी वो तो आप साथ साथ चेक कर सकते हैं लेकिन बहुत से मेजर जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आप साल के बाद ही चेक करेंगे तो जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑडिट को तो अगर हम साल से पहले जाके ऑडिट शुरू करें जी तो हम उसको इन टेरिम ऑडिट बोलते हैं ठीक है इन का मतलब है कि ये फाइनल नहीं है ये अभी पहला हिस्सा है ये अभी टेम्पररी है और फिर दूसरे हिस्से को हम फाइनल ऑडिट बोलते हैं जब हम साल के बाद जाएंगे ठीक है तो ऑब्वियसली इंटरनेम ऑडिट करने का फायदा क्या है का फायदा यह है कि आपको बाद में स्टाफ कम चाहिए होगा आप बहुत सा काम कर चुके हैं आप बहुत सारे इश्यूज जो आपको साल के बाद पता चलने थे पहले हाईलाइट कर चुके हैं मसले आप ऑडिट जल्दी करके आ जाएंगे ठीक है और साल के बाद आपका फोकस भी ज्यादा अच्छा होगा ऑडिट ज्यादा एफिशिएंट होगा ज्यादा अच्छा ऑडिट करके आएंगे क्योंकि आपने तो सली से पहले जाकर काम किया और थोड़ा सा काम रह गया ठीक है तो ये इन ऑडिट होता है और उसके बाद हम फाइनल ऑडिट अपना करते हैं तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इन ऑडिट में हम क्या क्या काम करके आते हैं ठीक है इनके टेक्निकल इन जो काम इन कामों के टेक्निकल नाम क्या है तो बच्चों जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना प्लानिंग तो प्लानिंग हम करके इस चीज के रहे होते हैं कि कितना रिस्क है के चीजों अंदर कितना काम खराब हो सकता है इस साल फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा न खास्ता कोरोना आ गया इतने अर कंपनी बंद रही है इसका मतलब है कि जबरदस्ती डाले हुए होंगे जबरदस्ती सेल्स डाली हुई होंगी बड़े डिस्काउंट्स इनको देने पड़े होंगे शायद इनको लॉसेस बेयर करने पड़े ठीक है तो कहां कहां पे इन्होंने हो सकता है डंडियां मारी हुई हूँ तो सबसे पहले इन अंदर हम प्लानिंग करते हैं रिस्क असेसमेंट करते हैं ठीक है दूसरा काम मैंने आपको बताया था कि हम इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने का मतलब ये नहीं है कि हमने शेयर होल्डर को बताना है कि ये कंपनी अच्छी नहीं चला रहे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने का सिर्फ ये मतलब है कि हम देख रहे हैं कि भाई ये सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है कैमरास लगाए हुए हैं बैंक के स्टेटमेंट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे इंप्लाइज जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा कैसे इन्होंने कंट्रोल लगाए हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीजें हम क्यों देख रहे हैं हमने किसी को शिकायत नहीं लगानी हम मैनेजमेंट का फायदा कर रहे हैं कि कल को मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई ये चीजें अगर आप अच्छी कर लेंगे तो आपको भी आ, आपकी कंपनी में भी मसले कम होंगे कंपनी ज्यादा अच्छी चलेगी और हमारा भी फायदा है कि कंट्रोल्स हमने देख लिया अगर अच्छे लगे हुए हैं तो हमें कल को ऑडिट में चीज़ें कम चेक करनी पड़ेंगी हमें तसली तो होगी कि यार यहाँ पे कम ही चांस है हमने अगर थोड़ा छोटा सैंपल भी उठाया ना थोड़ा कम काम भी किया तो कोई बात नहीं यहाँ पे इतना रिस्क ही नहीं है ये खुद ही गलतियां पकड़ लेते होते हैं ठीक है ये बात सबको समझ लग गई है रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो ये अपने पास लिख लें सबसे पहले प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट दूसरी चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स या जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोलते हैं और फिर बच्चों ये दो काम करने के बाद हमारी टेस्टिंग या प्रोसीजर्स होते हैं substantive का मतलब होता है सबसे सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा काम क्या है जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर्स हैं वो चेक करना उनका एविडेंस इकट्ठा करना जी अजीजु अगर हम फाइनल ऑडिट में जाएं और कोई इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो तो हम मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि साल खत्म होने के बाद भी दोबारा से कुछ चीजें चेक करते हैं जो हम पहले चेक करके गए थे अगर उनमें चेंजेस आए हैं तो हम उनको आ, देखें ऐसा नहीं होता कि जो काम हम कर गए बस उसको दोबारा देखना ही नहीं खोल के हम ये भी देखते हैं कि जो काम हम करके गए हैं तो इन ट पांच महीने का तीन महीने का परफॉर्म नहीं करते जब साल का काफ जब कम से कम आठ नौ महीने गुजर चुके होते हैं तब हम जाके इन टेरिम ऑडिट करते हैं अगर हम पहले तीन महीने का करें फिर अगले तीन महीने का करें ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि हमने और बहुत से क्लाइंट्स का साथ साथ ऑडिट करना होता है तो जब काफी सारा टाइम गुजर चुका होता है आठ नौ महीने बाद तब हम शुरू करते हैं और सब लोगों को प्रोसीजर का, का मतलब समझ आ गया कल हम पढ़ेंगे कि में हम करते हैं, सबसे बड़े काम होते हैं का मतलब है सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएं हर फिगर देखें फॉर द ईयर या क्लोजिंग बैलेंस और उस पर एविडेंस इकट्ठा करें कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं क्या ये वाकई असली ऐसी ट्रांजेक्शन थी हमसे झूठ बोला जा रहा है तो ये सबसे बड़ा काम है इसलिए इसको सब स्टैंडिव प्रोसीजर्स कहते हैं अच्छा जी जी हनान मैं थैंक यू करके अब बस टाटा बाय बाय करने लगी हूँ तो ये बच्चों सेक्शन 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 और 4.7 ये हमारा खत्म हो गया अब बच्चों ये 4.6 के अंदर एक छोटा सा डब्बा जो है एग्जाम्पल्स का ये आपने अभी नहीं पढ़ना क्योंकि ये एग्जाम्पल अभी आपको शुरू में समझने लगेगी

चले जी थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एवरीवन फॉर द ऑफिस अनान क्योंकि वो पेपर में आ सकती हैं बेटे ये जो आई एस ए टू हंड्रेड के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंटरिम और फाइनल ऑडिट है ये जनरल बातें नहीं है ये स्पेसिफिक बातें हैं।